iki nangsi puso natalis kak laku iki becapan yo sekunde tenang barat seba nangsi puso natalis kak laku jisku ghar pa bhi dekhi jika dikhe jo do section ed kiya jara भारत से बाहर कानून लागू हो सकता है, ऐसा कानून कौन बना सकते हैं? तो राज्य नहीं, राज्य विधानमंडल नहीं, केवल कौन? संसद। कहाँ है ये? अनुच्छेद 245 के खिलाफ। अगर भारत से बाहर अपराध किया जाता है तो आईपीसी के तहत व्यक्ति भारत में दंड का भागी होगा। ये आईपीसी की किन धाराओं में? तो 3 और 4 लिख लीजिए। आईपीसी कौन पढ़ना है इसके साथ? 3 और 4। फिर एविडेंस में आइए। भारत से बाहर अपराध होता है तो भारत में साक्ष्य लिया जाएगा, तो आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार कि उस देश के विधि के अनुसार जहाँ के अपराध हुआ है, बताइए किसके अनुसार दिया जाएगा? क्यों? हाँ, लेक्स कोरी, तो उसको लिख लीजिए। एविडेंस में लेक्स कोरी पढ़ेंगे, सही बता रहे हैं। लेक्स कोरी, लेक्स कोरी का मतलब पूछ ले तो लेक्स मतलब ला, न जानते हो तो लिख सकते हैं। लेक्स मतलब ला और कोरी यानी की प्लेस। स्थान विशेष की विधि, स्थानीय नाम आ दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि जिस न्यायालय में, जिस स्थान के न्यायालय में जांच या विचारण चल रहा है, उस स्थान में जो प्रचलित कानून है उसी के अनुसार अभियुक्त के दोष को साबित किया जाए। भले अभियुक्त कहाँ अपराध किया होगा, तो भारत में जांच विचार चल रहा है किसी अभियुक्त के खिलाफ, तो ऐसी दशा में भारत में बाई एविडेंस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार उसके इल्जाम को साबित किया जाना आवश्यक। ये आपका हो गया, कर सकते हैं संविधान, आईपीसी, एविडेंस। अब आइए सीआरपीसी। सीआरपीसी में करिए, सीआरपीसी में अगर भारत से बाहर अपराध किया है तो इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या जारी होगा? लेटर ऑफ रिक्वेस्ट 166A लिखे पड़े सीआरपीसी। क्या जारी होगा यहाँ से अन्वेषण के लिए? अनुरोध पत्र या इंग्लिश वर्जन जा रहे हैं, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। फिर 190, 189 याद रखिएगा, 189 तुरंत लिखना है। 189 में भारत से बाहर साक्ष्य एकत्र करने के लिए क्या जारी होगा? तो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट ना मार दीजिएगा। 189 में कमीशन, 189 में लिखिए कमीशन जारी होगा। 189 कमीशन 189। इसके बाद पूछ सकता है जो अब आ गए मुख्य धारा पर जो हम पढ़ा रहे थे, 188 पर आइए। मैं तो यही चल रहा था, भारत से बाहर अगर कोई व्यक्ति अपराध किया है तो क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत के किस स्थान के न्यायालय द्वारा इंक्वायरी और ट्रायल उसका किया जा सकता है। एक लाइन केवल बताइएगा, जहाँ वह व्यक्ति पाया जाए, बस एक लाइन, जहाँ वह व्यक्ति क्या किया जाए पाया। लेकिन ऐसी जांच या विचारण केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से किया जाए। दो शब्द बताना है, जहाँ वह क्या हो पाया जाए, किसकी पूर्व सहमत से जांच विचार। अब आपका इससे ये फायदा हुआ कि कहीं भी आपका घुमाए तो आपका गलत नहीं होगा। और भी दो धारा जोड़ लेंगे, 105 और 105 के। हाँ, व्यक्तिकारी व्यवस्था समझौते वाली हो सकता है, विजय माल्या को पूछ ले। 105 और 105 ए सी आर पी। अब आइए कॉग्निजेंस देखा जाए। 190 से लेकर 199 तक कॉग्निजेंस या संज्ञान की बात की गई है। प्री में भी पूछा गया था, पूछ सकता है कॉग्निजेंस है। देखिए कॉग्निजेंस से तमाम क्वेश्चन बनते हैं और तमाम क्वेश्चन आपका कॉग्निजेंस से बनते हैं, लेकिन मेन मेन क्वेश्चन ही हमें बताना है।
पहला क्वेश्चन ये आया कि कॉग्निजेंस क्या होता है, और दूसरा आपका इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में अंतर कहाँ से किया जाता है। तो इसी पर आपका कॉग्निजेंस शब्द को सीआरपीसी में परिभाषित नहीं किया गया है। तो कॉग्निजेंस या संज्ञान, संज्ञान माने अवगत होना, अवगत होना मतलब भिज्ञ होना, तो संज्ञान इससे अवगत हुआ जाता है अपराधी से कि अपराध से, यानी कि दूसरा क्वेश्चन संज्ञान किसका लिया जाता है, अपराध का कि अपराधी का, अपराध अपराधी कौन है, किसका निर्धारण कब होगा, तुरंत क्वेश्चन पर क्वेश्चन राइट करिए, इसका निर्धारण कब किया जाएगा, अपराधी कौन है, भाई अपराध हुआ कि नहीं, अभी साक्ष्य पर्याप्त है कि नहीं हुआ, ये तो कॉग्निजेंस में देखा गया, लेकिन क्या यह व्यक्ति अपराध किया कि नहीं किया, इसका निर्धारण भाई किस स्टेज में होगा, तो ट्रायल उसको लिख लीजिए, कौन व्यक्ति अपराधी है इसका निर्धारण विचारण में किया जाता है, इसका निर्धारण किसने किया जाता है, विचारण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन आइए, संज्ञान होता क्या है, अगर कोई पूछे तो कई परिभाषा है लेकिन एक बता सकते हैं, संज्ञान एक है, संज्ञान व न्याय कार्यवाही है जिसके तहत मजिस्ट्रेट इस बात की जानकारी लेता है कि प्रथम दृष्टया साक्ष्य है या क्या प्रथम दृष्टया अपराध का किया जाना प्रतीत होता है, क्या एविडेंस है, एविडेंस है नहीं, इस बात पर ध्यान देता है क्या प्रथम दृष्टया इस बात पर ध्यान देता है कि सामान्यता नहीं लेता लेकिन ले सकता है, जैसे कि आप
समांतर नहीं लेता लेकिन हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर है सर हाई कोर्ट ने वापस केस का लिया था संविधान दिया था मतलब किस सेक्शन का इनहेरेंट पावर 482 में भी जाएगा 8226 में भी पावर है अब सेक्शन देखना पड़ेगा 482 बना है कुछ भी कर सकता है यहाँ पे स्वतः विचार कर ले ट्रायल कर ही सकता है भाई आगे देखिए भाई अगला आपका अगला जो देखा जाए संज्ञान के बारे में संज्ञान कौन ले सकता है अब ये कोर्ट ऑफ सेशन पर पूछा जाना है क्या कोर्ट ऑफ सेशन संज्ञान लेता है तो संज्ञान तो लेता है लेकिन सीधे नहीं कब लेता है सामान जब उसको मामला क्या किया जाए कमिट किया जाए कमिट बताइएगा यानी कि सुपोर्ट उपार्पण सुपोर्ट नहीं सुपोर्ट भी बता सकते हैं उपार्पण भी लिखा जाता है कमिट किया जाए तो कमी की धारा के साथ किया जाता है समान का 200 कमी किया जाए तो अब यहाँ क्वेश्चन में जी लिखवा था कि कब सत्र न्यायालय या कोर्ट ऑफ सेशन सीधे संज्ञान लेता बिना कमी किए हुए तो बिना कमी किए हुए दो कंडीशन में लिखवा चुका पहला कंडीशन 199(21) क्लास में आ जाए टू और दूसरा कंडीशन 344 दो कंडीशन याद रखिए संज्ञान के बारे में तमाम क्वेश्चन है संज्ञान की समय सीमा 465 बताएगी और समय सीमा याद रखिए अगर आपका जुर्माने से दंडनीय है तो कितने दिनों में संज्ञान 6 माह में अगर आपका मैंने 1 वर्ष या उससे कम का कारावास का दंड है तो 1 साल में और 1 वर्ष से अधिक दंड है इसी अपराध के लिए 3 वर्ष या कम है तो 3 साल अब यहाँ पूछ सकता है कि हत्या के मामले में संज्ञान की समय सीमा दिमाग स्थिर करके बताइएगा जिन अपराधों में 3 वर्ष से क्या है अधिक का दंड है उसके लिए संज्ञान की कोई समय सीमा कानून ने बताई नहीं है आपका 10 साल बाद भी संज्ञान 20 साल बाद भी लेकिन कितना अच्छे से याद रखिए जिन अपराधों में कितना दंड है 3 वर्ष से अधिक लेकिन ऐसे ना बताएगा जिन अपराध देखिए लीगल भाषा में कैसे बताया जाता है जिन अपराधों में मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 3 वर्ष से अधिक का कारावास हो उसमें संज्ञान की कोई समय संज्ञान के लिए कोई का समय निश्चित या किसी में कोई हो तो भाई दिखाइएगा प्रावधान ये नियम सीआरपीसी में कहीं है नियम अगर हो तो भाई हमें भी पूरा नहीं तो जनरल वो प्रचलित भाषा में नहीं जो सीआरपीसी में वो बताइए प्रचलित भाषा नहीं जो सीआरपीसी में प्रावधान हो वही बताना है वो दिमाग उल्टा बने इधर उधर प्रैक्टिस वाला नहीं वकील क्या कर रहे हैं जो खासा है अगर विवाद होगा तो डायरेक्ट रखा रहेगा सबका संज्ञान में संज्ञान पर आपका अगला क्वेश्चन कि संज्ञान कितने आधारों पर लिया जा सकता है तो संज्ञान के लिए 191 में 3 आधार पहला परिवार दूसरा पुलिस रिपोर्ट और तीसरा स्वयं के ज्ञान या अन्य यहाँ फंसा सकता है क्या तीनों आधारों पर एक साथ तीनों आधारों पर कि किसी एक आधार पर बताइए एक आधार पर कि तीनों पर एक ही साथ ले लेंगे एक पर अगर परिवार पर लिया तो पुलिस रिपोर्ट पर नहीं पुलिस रिपोर्ट पर लिया तो स्वयं के ज्ञान पर नहीं स्वयं के ज्ञान पर लिया तो पुलिस रिपोर्ट और परिवार पर नहीं अब यहाँ समस्या 1210 से उठा कौन सी समस्या तुरंत एड करें जवाब यानी कि आप कह सकते हैं कि 210 अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है
और परिवाद पर संज्ञान लेकर मजिस्ट्रेट उसी मामले का इंक्वायरी या ट्रायल कर रहा है, दोनों इंक्वायरी या ट्रायल, और मजिस्ट्रेट को मैंने ये दिखाया जाता है कि पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो बताइए किसको रोका जाएगा? परिवार को, ठीक बताते रहे आप लोग, परिवार को रोका जाएगा, पुलिस से रिपोर्ट मांगी जाएगी। 173(2) में पुलिस ने रिपोर्ट भेज, अब यहाँ दो चार समस्या बनती है, पुलिस ने FIR भेज दी रिपोर्ट में, तीन FIR स्वीकार करके जो परिवार रुका था उस पर क्या करें? हाँ, दोनों में मामला सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, अब यही पूछा जाएगा, अगर पुलिस रिपोर्ट भी वहीं करती है और परिवार में भी वहीं मामला है, तो ऐसी दशा में अब भाई दो हो गए मामले, एक तो पुलिस रिपोर्ट और दूसरा परिवार, और संज्ञान एक ही आधार पर लिया जाएगा एक बार बार बार, तो 210 इसका निस्तारण करती है कि दोनों मामलों एक साथ 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 चलेंगे, लेकिन चूंकि संज्ञान तो केवल एक ही आधार पर लिया जाएगा तो किस पर संज्ञान लिया माना जाएगा? पुलिस रिपोर्ट, ये जरूरी याद रखिए, एक क्वेश्चन आ सकता है इस पर। अरे अमूमन भाई विकेट क्वेश्चन है, किसी ने 190 से उठाकर पूरा करके कई धारा समाप्त हो गई, अब ये नहीं कि यही चाहिए कि एक धारा उठाइए कई धारा, देखिए आगे भैया आपका 190 से अब अगला टेक्निकल क्वेश्चन आया है, अगर अधिकारिता न होते हुए कॉग्निजेंस ले लिया गया तो क्या प्रभाव होगा? ये अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो ये बताना है कि ये अनियमितता क्या प्रभाव डालेगी, तो जो अच्छे से इसको भी तैयार रखिए। हाँ, अगर 190(1)(a)(b) के अंतर्गत संज्ञान लिया गया है सद्भावना पूर्वक अधिकारिता न होते हुए तो ये कार्यवाही वैध होगी, यानी ये अनियमितता कार्यवाही को दूषित नहीं है, लेकिन 190(1)(c) के तहत स्वयं के ज्ञान पर या अन्यथा या किसी की शिकायत पर सूचना पर संज्ञान लिया गया है तब अगर अधिकारिता मजिस्ट्रेट को नहीं थी तो अनियमितता संज्ञान को दूषित करेगा। 460 और 466 अगला क्वेश्चन आइए, कॉग्निजेंस के बारे में रिजुडियरी प्रावधान कहाँ दिया गया है? अवशिष्ट बताइए कॉग्निजेंस के बारे में रिजुडियरी प्रावधान कहाँ है? ठीक है रिजुडियरी भाई आपको, रिजुडियरी का मतलब ये हुआ कि कहीं कोई प्रावधान न हो तब उसका यूज किया जाता है, जैसे कि एविडेंस की कौन सी धारा जैसे सुसंगतता के बारे में रिजुडियरी प्रावधान करती है ले, और IPC की 511 आपका CPC में वाद दायर करने का स्थान के लिए भी, और अपील के बारे में रिजुडियरी अनुच्छेद 136 और रिजुडियरी पावर संघ में निहित है अनुच्छेद 248, तो रिजुडियरी पूछ सकता है, इसको अच्छे से तैयार रखना है, तो आपका मैंने ये पूछ सकता है कि संघ कॉग्निजेंस के बारे में रिजुडियरी प्रावधान का, भाई एक तो स्पष्ट परिवाद हो गया वो रिजुडियरी नहीं है, दूसरा आपका पुलिस रिपोर्ट वो भी स्पष्ट है 190(1)(c) ये रिजुडियरी प्रावधान कहा जाता है, लेकिन हेलो क्या हुआ? हाँ ठीक ठीक अभी आराम करो, देखिए क्वेश्चन आ सकता है भाई रिजुडियरी प्रावधान इसको लिख लीजिए अच्छे से, कॉग्निजेंस के बारे में रिजुडियरी प्रोविजन कहा 190(1)(c) बताएं, अंतर मैं लिखवा चुका हूँ कि परिवार और सूचना पर अगर कहा 191 नेचुरल जस्टिस ये भी बताया जा चुका है,
191 किससे अटैच है, 191 सी। जबकि 191 सी पढ़िए, कौन सी धारा पढ़िए, 191 नेचुरल जस्टिस, 479 191 दोनों एक साथ याद रखिए, पिछली बार आ चुका है नेचुरल जस्टिस, दो तो कम से कम पढ़ते जाएगा, दो कम से कम पढ़ते जाना। इसके बाद आपका संज्ञान के बारे में सामान्य की धारा से की धारा तक, तो 190 से 194, और संज्ञान के अपवाद या कुछ शर्तों की पूर्ति पर ही संज्ञान 195 से लेकर 199, सभी लोग जानते हैं। जनरल रूल कहाँ से कहाँ तक, 190 से लेकर कहाँ तक, 194 और उस शर्तों के पालन होने पर ही संज्ञान, ये कहाँ से कहाँ तक, 195 से लेकर 199, ये पूछ सकता है। संज्ञान के सामान्य, संज्ञान के अपवाद, ये हाँ अपवाद 195 से 199। अब आइए देखा जो भाई, फिर एक बार याद रखें, कॉन्सेप्ट थोड़ा बना लीजिए। अगर मजिस्ट्रेट 190 में संज्ञान, ये मुख्य धारा है, ये नहीं कि और नहीं है, पूरा सीआरपी से नेचुरल जस्टिस है, लेकिन पांच छह धारा तो हाँ, जो धारा बताइए वह धारा अच्छे से तैयार किए रही है, मुझे नहीं कि उसमें भी तापना 191 479। इसके बाद आरोप, आरोप हो गया 303 304, 207 208, इतना कम से कम होता है, ये नहीं किया चीज होना, मैं कम से कम इतना ढूंढ के बोल सकता हूँ। हाँ फिर 273 273 315 273 315 273 ये भी प्राकृतिक न्याय, आड़ी अड़पण पड़ना पीछे नहीं करवाई, सामने 273 भी काफी महत्वपूर्ण है कि जो जांच और विचारण में साक्ष लिया जाएगा वह अभियुक्त की उपस्थिति, ये भी नेचुरल भाई सामने लिया जाए तो फिर पीछे, इतनी धारा बता दें जो बहुत बेहतर धारा हुई थी मेन है। आगे चला जाए, इसके बाद आपका कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा संज्ञान 193 देख लीजिएगा, 195 एक बार देख लीजिएगा, 193 बता ही दिया गया है, 195 से लेकर 199 तक में पूछा जाता है, पिछली बार 195 से पूछा गया कि क्या न्यायालय द्वारा भी परिवाद किया जाता है, तो आपका जवाब कुछ दशाओं में किया जा सकता है, अगर आपका मिथ्या साक्ष्य किया इसको लिखिए, न्यायालय द्वारा परिवाद करना, न्यायालय द्वारा परिवाद किया जा सकता है नहीं, 195 में अगर मामला आ जाता है तो किया जा सकता है, फिर आपका पूछेगा लिखित होगा कि मौखिक, तो सदैव क्या होगा लिखित, उल्लेख करते हुए घर पिछवा देख लीजिएगा, फिर 195 की प्रक्रिया कहाँ दी गई है, तो 340 से शुरू होगा, तो बच्चे डायरेक्ट नहीं हो 340 से पढ़िए, 195 वाली प्रक्रिया 340 195 जब भी पढ़िएगा कौन धारा जो कर पड़ेंगे 340 और भी धारा है, स्पष्ट 340 में लिखा गया, देखिए 140 में, 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 140 में,
कर लिया नहीं क्या आसान। इसके बाद 196 से 197 से क्वेश्चन ज्यादा होता है। एक म्यान में दो तलवार नहीं, कौन सी धारा आपका डार्किन आप अम्ब्रेला है लोग से होंगे, ये क्वेश्चन बना है। 197 डार्किन आप अम्ब्रेला या छाता का सिद्धांत 197। देखिए क्वेश्चन कैसे बने हैं उसको बता रहे हैं, पढ़ना तो और उतना नहीं संभव। अगर कोई न्यायाधीश अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में अपेंस करता है तो क्या इसके बारे में कॉन्विजेंस के लिए कहीं कोई प्रावधान है, तो आप कहेंगे हैं 197 मजिस्ट्रेट करे, न्यायाधीश करे, कोई लोक सेवक करे, तो तीनों के लिए प्रावधान कहाँ किया गया है 197। तो कॉन्विजेंस कब तक नहीं लिया जाएगा, जब तक कि सरकार कॉन्विजेंस के लिए परमिशन न दे। कब तक नहीं लिया जाएगा सरकार। अभी अनिल पटियाल का ही मामला आया, निकला था पेपर में भी कि बहुत तेजी सरकार लाई और अनुमत देने के मामले में आप मैंने डिले करने लगे, मैंने अनिल पटियाल जो पकड़ी गई थी जब अनुमत के लिए भेजा गया तो शासन से लेकर ही नहीं आता तो वो तो लास्ट में आया। अगर अनुमत देके उसका प्रभाव क्या होगा, अगर अभियुक्त जेल में है और 90 दिन या 60 दिन बीतने वाला है, कॉन्विजेंस नहीं लिया गया तो अभी जमानत का क्या होगा, कमदार हो सकता है, तब आनंद फानंद में अपना तो 6 माह से आपका 3-4 माह जेल में रहें, 6 माह रहें उसके बाद जमानत का तो अलग बात। देखिए अब आपका यहाँ जो क्वेश्चन बनता है दोहरा चरित्र 197 का, किस धारा का दोहरा चरित्र ये भी पूछा जाता है। तो 197 का दोहरा चरित्र है, एक तरफ के लोक प्राधिकारियों को संरक्षण प्रदान करती है कि वे निष्पक्ष और स्वतंत्र होकर कार्य करें, क्योंकि इनके ऊपर सरकार का बड़ा हस्त रहेगा, बड़ा मतलब इनके ऊपर कॉन्विजेंस तभी लिया जाएगा इनके खिलाफ जब सरकार क्या दे दे, परमिशन दे दे। दूसरा यही धारा भ्रष्टाचार की भी जमीन, अंजू पटियाल जैसे लोग व्हाट्सएप से गुल्ली डंडा खेलेंगे और पकड़े जाएंगे तो भाई व्हाट्सएप चैट जैसे कि एनसीबी पकड़ रहे सबको भी भागे हैं, व्हाट्सएप आपका निकाल करके वही पुराना खोज के तो व्हाट्सएप से आपका चैटिंग करिए और चैटिंग बड़ी खतरनाक है, आपको भी सावधान रहिए चैटिंग करते समय, चैटिंग उल्टा सीधा ना लिखिए है तो पुनः अगर अपराध होता है तो उसको भाई ये रिसाइकलिंग की जा सकती है, पुराना आपका चैट क्या हो सकता है सामान्यता नहीं लेकिन निकल सकता है। तो आपका यह धारा भ्रष्टाचार की भी जन्म, अन्ना हजारे बार बार कह रहे थे आंदोलन में कि धारा को क्या किया जाए, हटा दिया जाए, लेकिन हटी नहीं अभी तक, क्योंकि भ्रष्टाचार इसलिए जन्मी है कि लोक सेवक भ्रष्टाचार करते हैं और सरकार उनके खिलाफ अनुमति ही नहीं देती कि संज्ञान लिया जाए, अनुमति नहीं देती और लोग जमानत पर रह के और आपका सर्विस भी करते हैं, रिटायर हो जाते हैं, मर जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट में केस आया और वहीं पे देखना है। सुब्रमण्यम स्वामी बनाम मनमोहन सिंह एवं अन्य सीबीआई के, सुब्रमण्यम स्वामी इस समय सामने बेचारे बोल नहीं रहे, बोलते रहते हैं उल्टा सीधा कुछ ना कुछ, भाजपा से भाई सांसद लेकिन भाजपा भी बर्दाश्त करती है कभी भाजपा बोलता है खिलाफ भी बोल देते हैं भाजपा के, लेकिन भाजपा वाले उसका कमेंट नहीं करते, बस एक लाइन उनका व्यक्तिगत मत है भाई, पार्टी से कोई मतलब यानी कि जब फंसना हुआ तो व्यक्तिगत मत का देखिए उसको केस पूछा जाता है। सुब्रमण्यम स्वामी बनाम मनमोहन सिंह एवं अन्य का केस, इसमें आपका ये आपका स्थान देख सकते हैं 2011 सबके लिए
शब्द हैं कौन कर रहे हैं। देखिए आपका प्रश्न याद किया रहा है, इसमें ये बताया गया आपके लिए किसकी व्याख्या की है कि भ्रष्टाचार मूल अधिकारों का हनन करता है और भ्रष्टाचार रहित प्रशासन आठवीं लेखिस में एक मूल अधिकार, लेकिन हमें उस पर नहीं जाना है, हमें जाना है काम विजेंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा लेट रखी थी कि आप 3 मास में एप्लीकेशन जब जाए तो 3 मास में डिसाइड कर लीजिए, प्री में आ गया इसके पहले वाले 3 मास में आप डिसाइड कर लीजिए कि अनुमत देना है कि नहीं देना है सरकार को। 1 मास और यानी कि 4 मास अधिकतम, 1 मास और दिया मैंने कि हर हाल में 4 मास में सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे, अनुमत देना हो तब भी बताए और न देना हो तब भी क्लियर करे, 4 मास अधिक। अगर 4 मास बीत गया तो मजिस्ट्रेट बिना अनुमत के ही संज्ञान ले लेगा और वह संज्ञान वैध माना जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट अधिकतम 4 माह। इसलिए 4 माह में अगर सरकार कोई फैसला नहीं लेती अनुमत देने लेने पर मैंने देने या ना देने पर, तब संज्ञान लिया जाएगा और वैध माना जाएगा, यानी कि अब सरकार को माउंट कर दिया जाए कितने माह में अधिकतम नहीं 4 माह। हाँ 4 माह। अगला ये आपका 197 और देख लीजिएगा, तमाम भ्रष्टाचारी बचे रहते यादव सिंह से लेकर और जितने NRHM घोटाले में जेल गए सब आपका ज़्यादातर इसी में बच गए, अभी संज्ञाने नहीं लिए CBI क्या करें। अगला देखिए 197 के बाद 198, क्योंकि इसका कुछ प्रावधान अवैध भी है तो पूछ सकता है विभाग के विरुद्ध अपराधों के बारे में, 198 का क्लास 2 पूछ सकता है कि जहाँ की धारा 497 थी उसको अवैध घोषित कर दिया गया था आपका जोसेफ साइन बना भारत संघ के बाद, 198 भी जोड़े रहेगा किस 497 किसी से केस याद रखिए, जोसेफ साइन वर्सेस भारत संघ 198 के प्लाट 2 में 2 सेक्शन है 497 498, दोनों सेक्शन अवैध नहीं है, 498 बचा है, कौन सा सेक्शन अवैध कर दिया 497 संज्ञान। इसके बाद 198 टूटा 199 से क्वेश्चन बनता है आपका मानहान के मामलों में काम में जाए, तो अगर सामान मानहान का मामला है सामान 199(1) और अगर विशिष्ट मामला है 199, इसमें भाई देख लीजिएगा मानहान में अगर राष्ट्रपत की मानहान की गई है राज्यपाल की लोक सेवक की 199(2) के तहत तो सीधे कॉग्निजेंस कौन लेगा कोर्ट आपसे, और 100 को रेट कर लीजिए तो 199 के प्लाट 2 के 237 एक साथ पढ़िएगा और 237 हाँ, और उसके बाद आपका 244 से लेकर 250 घर के लिए छोड़ा जा रहा है, ना समझना है तो कल पूछिए, इतना डिटेल में बताना बहुत समय लगेगा। 199 के बाद 200 से लेकर और 203 आ जाएगा, यहाँ भी एक दो क्वेश्चन बनता है कि भाई परिवार किया गया परिवार पर 200 से लेकर 203 में परिवादी की परीक्षा और परिवार, यहाँ से दो टेक्निकल क्वेश्चन परिवादी की परीक्षा, अगर गवाह है तो गवाह की परीक्षा करेगा न्यायालय, अगर मजिस्ट्रेट 200 की कार्यवाही प्रारंभ कर दिया इसका मतलब कि वह कॉग्निजेंस ले लिया, और अगर 200 की कार्यवाही प्रारंभ न करते 156(3) के तहत या 155 के लाइटू के तहत सभ्य संघ में इन्वेस्टिगेशन का आदेश दिया, यानी कि अभी कॉग्निजेंस नहीं, ये जरूरी याद रखे पूछा जाता है 200 की कार्रवाई शुरू का ही मतलब हुआ कि कॉग्निजेंस ले लिया। अब ये आपको देखना है घर पे
एकम परिवादी की परीक्षा आवश्यक नहीं है, वो कंडीशन बताइए कि इतना बहुत समय लगे बताने में, घर पर भी कुछ बता रहा हूँ, टेक्निकल क्वेश्चन खोज कर आ जाए, पर दो दो लाइन छोड़ते रहे ताकि घर पर उसको आप लिख सकते हैं। उस कंडीशन पर उस कंडीशन को बताइए जहाँ की आपका परिवादी की परीक्षा आवश्यक नहीं और उसके जवाब दिया गया कंडीशन न्यायालय ने स्वयं परिवाद किया और इत्यादि। इसके बाद आपका बनता है 201 अधिकारता न होने पर कोई दिक्कत नहीं, परिवार लौटा दो न्यायालय द्वारा किया गया। एक और प्रावधान लोक सेवक भी आया गया 105 और न्यायालय भी आया गया 105 और 202 के तहत हवाला किसी अन्य के हवाले कर देता है। ठीक है, आपका 200 में ये परिवार पड़ेगा, 201 का अधिकारता ना हो तो भाई वापस कर दे और क्या। 202 महत्वपूर्ण है और यहाँ जो क्वेश्चन बनता है कि 202 और 156 तीन में अंतर है, यही क्वेश्चन आपका मुमन बनता है। 202 में भी अन्वेषण का आदेश और 100 आपका 156 तीन में भी अन्वेषण का आदेश, तो दोनों में अंतर क्या है, तो आप ये पहला अंतर बताएंगे कि 202 न्यायिक कार्यवाही का भाग है और 156 तीन अन्वेषण। लिखिए तीन चार अंतर बताना पड़ेगा, शॉर्टकट में लिखिए 202 न्यायिक कार्यवाही का भाग है और 156 तीन अन्वेषण की कार्यवाही। 202 के तहत संज्ञान के बाद और 156 तीन संज्ञान के पूर्व। एक सौ छप्पन तीन के तहत समय निर्धारित नहीं कि 202 पर चल रहा था, 202 के तहत न्यायालय समय निर्धारित कर सकता है कितने दिनों में दीजिए, 202 के तहत न्यायालय क्या कर सकता है, समय निर्धारित कर सकता है 156 तीन के तहत। इसके बाद आपका 156 तीन के तहत अन्वेषण की रिपोर्ट 173(2) में भेजी जाती है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये ज्यादा क्वेश्चन बनता है। 156 तीन के तहत जो आदेश दिया गया है उसकी जो रिपोर्ट भेजी जाती है अन्वेषण की, वो 173(2) के तहत भेजी जाती है, लेकिन 202 वाली रिपोर्ट 202 ही के तहत भेजी जाती है। 202 वाली रिपोर्ट 202 के साथ ये भी कह सकते हैं कि यह अन्वेषण जांच का भाग है, वह अन्वेषण का क्योंकि जांच वाले सेक्टर में कराया जा रहा है। इसके बाद 203 से क्वेश्चन बनता है। आवेदन कर दिए और परिवार दोनों पर हो सकता है, ये लिखा है, ये भी लिख लीजिए, मैंने 202 वाला परिवार पर ही और 156 तीन परिवार पर ना संज्ञान लेकर ही एप्लीकेशन कर दे सकता है। ठीक है, आगे 203 से भी क्वेश्चन बनता है, अगर परिवार खारिज कर दिया जाता है तो बस एक ही क्वेश्चन बनता है, कारण लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा और कारण नहीं लिखने पर खारिजी का आदेश क्या होगा, अवैध। कारण हर हाल में लिखना पड़ेगा, यानी कि यहाँ भी नेचुरल जस्टिस का पालन,
प्राकृतिक न्याय के तीसरे सिद्धांत रीजन डिसीजन अगर आपने कर सकते हैं कि हमारे परिवार को खारिज किया है तो क्या लिखे रीजन डिसीजन। अगला क्वेश्चन जो सबसे अच्छा बनता है कि अगर एक परिवार एक बार खारिज कर दिया है तो क्या उसी मामले में उसी न्यायालय में दूसरा परिवार दायर किया जा सकता है। यही क्वेश्चन सामान्यतः, लेकिन इसके कुछ क्या है, तो पहले परिवार खारिज के बाद आपका उपाय बताया। अगर ये पूछ सकता है कि अगर आपका परिवार खारिज हो जाए तो आपके पास क्या उपाय है, अपील कराएंगे कि रिव्यू कराएंगे कि आप रिवीजन कराएंगे, तो सही क्या उपाय है बस इतना बताइए परिवार खारिजी के आदेश के विरुद्ध रिवीजन कोर्ट ऑफ सेशन में हो सकता है, बस एक ना। अब नया परिवार वाला अलग है कि आपका अगर परिवार खारिज हो गया तो नया परिवार सामान्यता नहीं दायर होगा, लेकिन कुछ दशाओं में हो सकता है। पहला, यदि कोई नया तथ्य मिल गया, मैंने साक्षात मिल गया, अगर कोई क्या हो गया परिवार खारिज हो जाने के बाद कोई नया साक्ष मिल गया तब कर सकते हैं। एक और पूछा जाता है कि परिवादी की अनुपस्थिति के कारण परिवार खारिज हुआ है तब रिस्टोर करा सकते हैं, यानी परिवार कर सकते हैं कि इस कारण से हम नहीं आए, अतः परिवार जो हमारा खारिज हुआ था उसको पुनः सुना रिस्टोर कहा जाता है। और एक बार आधार कर देखिए उसका याद नहीं आ रहा, मैं भी और देख लीजिएगा, दो लाइन छोड़ कर लिखिएगा। इसके बाद आइए 204, आदेश का जारी किया जाना, चाहे परिवार पर संज्ञा ले, पुलिस रिपोर्ट कर ले, स्वयं के परिवार पर ले, तो ऐसी दशा में आदेश का तीनों के लिए कौन सी धारा के तहत 204 में समन के समन मामलों में समन और वारंट मामलों में वारंट या समन, यहाँ से बताया जा चुका है। 205 आपका एक विशेष समन पूछा गया था, देखिए 205 से 66 से पढ़ना है, इधर तेजी से निकालना है, इधर की धारा 206 से बिहार में पूछा गया था, स्पेशल समन क्या होता है, विशेष समन जिसको लिखिए स्पेशल समन क्या होता है, ऐसा समन जिसमें अब मैंने अभियुक्त से यह अपेक्षा की जाती है कि वह यह चाहे तो न्यायालय में न आकर जुर्माने की रकम स्वयं या किसी अन्य के माध्यम से न्यायालय में भेजवा। बहुत लंबा हो गया, इतना लंबा है, तीन चार लाइन, शॉर्ट कट में कोई बताइए, पहले कंसेप्ट हम बताते हैं तब शॉर्ट कट में आपको भी दिखाइए। विशेष समन का मतलब ये हुआ कि ऐसे अपराध जिसमें 1000 या 1000 से कम हो, 1000 तक हो, 1000 रुपये से अधिक, ऐसे अपराध जिसमें केवल जुर्माने का दंड हो और वह 1000 से अधिक न हो, यानी या तो 1000 का दंड न्यायालय दे सकता हो या 1000 से, तो न्यायालय समन निकालता है, अभियुक्त की अनुपस्थिति से मुक्ति दी जाती है और ये अपेक्षा की जाती है कि दे देता है कि आप क्या है समन में वर्णित रकम को क्या करिए, लीगर या किसी अन्य के माध्यम से भिजवाइए, और आप भिजवा देता है किसी को स्पेशल समन कहा जाता है। अब इसी बात को भाई आपका
रकम जरूर याद रखना है, कितना से अधिक न हो 1000, तभी स्पेशल समन जारी होगा और सेक्शन पूछा जाता है कौन सी धारा, तो बिहार जे में पूछा गया, तो अंडरलाइन कर लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा ठीक है। सटीक भाषा में क्या लिखा जाए, अब आप लोग भी सोचते रहिए, सटीक भाषा जरूर नहीं लिखा याद हो। अगला लिखे भाई धारा कुछ निकाला जाए, 206 के बाद 207 और 208, ये भी नेचुरल जस्टिस यानी कि अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले अभियुक्त के खिलाफ जो कागज पत्र उसके विरुद्ध है उसको दे दिया जाए। एक कागज नहीं दिया जाएगा सीधे, उसको कौन कागज नहीं दिया जाएगा मजिस्ट्रेट द्वारा, तो केस करके पुलिस रिपोर्ट पर दायर मामला को दस्तावेज अभियुक्त को 207 में और पुलिस रिपोर्ट से भिन्न यानी कि स्वयं के ज्ञान पर या परिवार पर, तब दस्तावेज 208। लेकिन एक पुलिस रिपोर्ट की एक बात नहीं दी जाए वो जरूर जाए कि कौन सी आपका सीडी या केस डायरी, तो तुरंत सीडी पर अटैक करना शुरू कर देगा। उसको देखिए छूट गया था सीडी पर लिखते थे भाई के डायरी, सीआरपीसी की धारा 172 पढ़िएगा, 172। इसके बाद एविडेंस की धारा सीडी में 159, 160, 161 एविडेंस जोड़ेंगे, स्मृति ताजा करना, मेमोरी रिफ्रेश करना और सीआरपीसी 172। अगला देखिए 206 के बाद 209। नहीं नहीं वो जीडी सीडी आपका पैरा है। देखिए बाद 209 वो कमिट करना देख लीजिएगा। इसके बाद 210 बता ही दिया गया। इसके बाद अध्याय 17 आरोप से कित कुछ क्वेश्चन बनता है, आरोप से धारा लिखिए दो क्वेश्चन बताते हैं। पहला क्वेश्चन आरोप क्या ये पूछा जाता है, तो चार्ज का मतलब दोषारोपण का, यानी कि जब न्यायालय अभियुक्त के ऊपर दोषारोपण करता है विधिक रूप में तब उसे ही आरोप करते हैं, सामान्य भाषा में दोषारोपण बता सकते हैं। लेकिन विस्तृत रूप में अगर पूछे तब तो भाई आपको विस्तृत रूप में बताना ही पड़ेगा। जो यहाँ आरोप 211 से लेकर 224 तक है, अब आरोप के अंतर्गत में तो पढ़ना पड़ेगा क्या क्या लिखा जाता है। हाँ, एक आपका पूछा जाता है इंक्वायरी और ट्रायल में कैसे अंतर करें, ये जरूर क्वेश्चन हम बता भी चुके हैं। तो आरोप निर्माण आरोप जैसे ही आरोप पढ़कर अभियुक्त को सुनाना शुरू किया गया वह ट्रायल की कार्यवाही शुरू होगी और उसके पहले की जितनी न्याय कार्रवाई कार्यपालिक नहीं वह जांच न्याय संज्ञान भी जान सुपूर्ण करना भी जान कागज पत्र भी देना जान परिवार खारिज करना भी जान ये सब जांच है। बस आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाने से ही क्या शुरू हो जाता है विचार और इसके पहले की कार्रवाई क्या है जान, तो आरोप से अंतर किया जाता है, पूछा गया इंटरव्यू में गलत न हो, चार्ज से अंतर किया जाता है मैं बता दूँ। आरोप से जो आपका पूछा जा सकता है जो पूर्व दोषित है उसको लिखिए 211 का क्लास 7 पढ़ना है, पूर्व दोष सिद्धि का आरोप ये पूछा जाता है, कब तक क्या पूर्व दोष सिद्धि का आरोप में जिक्र करना आवश्यक है पूछ ले, आवश्यक नहीं अगर छूट गया तो कब तक फेल किया जा सकता है, हाँ दंडादेश देने के पूर्व कभी भी निर्णय के पूर्व न भाग दीजिएगा, यही कारण क्वेश्चन है और हरेक जगह निर्णय के पूर्व, लेकिन आरोप अगर पूर्व दो सिद्धि प्रायर कन्विक्शन का छूट गया है तो कब तक केस किया जा सकता है, दंडादेश देने के पूर्व तक, ये जरूर याद रखिए। भले ही पूर्व दो सिद्धि का आरोप पहले लगा दिया जाए लेकिन न तो वह पढ़कर सुनाया जाता है न समझाया जाता है, क्यों, क्योंकि ये काम तब करेगा जब दूसरी बार अभियुक्त दोषित हो
किसने पढ़कर सुनाया और समझाया, कब जाएगा दोष सिद्धि के बाद दंड के प्रश्न पर जब क्या होगी सुनवाई, यानी कि जब कब सुनाया जाएगा, जब दंड के प्रश्न पर क्या होगी, तो पूर्व दोष सिद्धि का क्या काम होता है पूछ लेगा, तो दंड की मात्रा क्या होती है बढ़ती इंक्रीज हो जाती है। तो उसी कारण स्वाद आपका 212, 13 आपका 14, 215 से गलतियों का प्रभाव देख लीजिएगा, इसको पढ़ना थी 215, 216 से फिर क्वेश्चन बनता है, क्या आरोप में परिवर्तन हो सकता है, बस एक नहीं बताएंगे, हो सकता है, बस इससे आगे नहीं पूछेगा कि कब तक हो सकता है, तब बताइएगा निर्णय के पूर्व कभी, और आरोप परिवर्तित या परिवर्तित किया जाता है तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तो आपका 217 है, तो आरोप में परिवर्तन कब तक, निर्णय के पूर्व कभी, बस एक नाम याद रखना, आपका क्या प्रक्रिया होगी परिवर्तन के बाद, तो आरोप में भाई 200 आपका 16 याद रखना है, बस एक नाम सुने हुआ देख लीजिए। इसके बाद 218 से भी क्वेश्चन कि सामान्यतः प्रत्येक अपराध के लिए अभियुक्त पर इल्जाम अलग लगेगा, आरोप और विचारण भी अलग होगा, आपका ये भी नेचुरल जस्टिस का है सिद्धांत, इसमें भी समाहित है, लेकिन ये विधि का पूर्ण नियम नहीं है, 218 में भी अपवाद है, खंड 2 में 219, 220, 221, 223 में इसका अपवाद, जहाँ की एक साथ आरोप या विचारण हो सकता है, तब देखिए 219 से लेकर 18 से 223 तक ये आपका जो है ये काफ़ी कठिन, अब इसको भाई पढ़ाते समय घंटों लग जाएगा, तो हम भी शॉर्ट कट किए जा रहे हैं। इसके बाद आपका ट्रायल, ट्रायल 5 प्रकार का है, और आपका ट्री भाग यानी कि ट्रायल का एक रूप है, क्योंकि ट्रायल वाले चेक करे थे गलत हो गया, पाँच भाग ही ट्री भाग यानी गलत हो गया, नहीं सी आर पी सी में ट्रायल के 5 प्रकार दिए गए ना, सेशन ट्रायल मजिस्ट्रेट ट्रायल वो अलग हो गया अपने न्यायाधीशों के वर्ग, लेकिन जो सी आर पी सी बंटवारा करती है उस वर्ग में 5 कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्रायल, मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों का ट्रायल, मजिस्ट्रेटों द्वारा समन मामलों का ट्रायल, संक्षिप्त विचार समरी ट्रायल पिछली बार में, क्योंकि पिछली बार में लिखे समरी ट्रायल के बाद ही अलग अलग अध्याय में लिखा था, इसका मतलब कि ट्रायल में रखने का इरादा था, तभी तो कहीं और अध्याय नहीं जोड़ देता, 5 प्रकार का बताइए हमारे हिसाब से, और भी आपको सर्च करिए, अगर भाई ये 1% गलती होने की चांस रहता है, हो सकता है 2% हम गलत जानते हैं, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, हम स्वीकार करते हैं कि 1% गलत पढ़ाते हैं, लेकिन अब उसका कोई ध्यान नहीं है, और 1% से आपका एक क्वेश्चन गलत भी नहीं हो जाए तो कहीं मिलता है सुधारा जाता है, कई बार ऐसा हुआ मैं एक दो बात भी उसको सुधारा गया, मैं अपनी गलती स्वीकार कर लेता और जबरदस्ती थोड़ा नहीं टीचर हो जैसे नहीं जो मैं कर दिया वही रखे डांट के भगा देते, जाइए कहीं पूछ दो प्रकार का कहीं जाइए और कहीं दो प्रकार का होता है, देखिए टीचर क्या करता है, एक बार सुनिएगा बातों को, हाँ कई लड़कियाँ गई और लड़ाई करके कई टीचरों से आ गए, अपने पिताजी को फोन दे देखो गरीबा पिताजी तो मना कर देगा कि क्यों उसने भाई ऐसा ना दीजिए पिताजी, ठीक है टीचर हर एक प्रकार के होते हैं, कभी आए संसार में मार मार के लोग बाबे ने क्योंकि भाई को डांटने वाला भी टीचर कबीरदास का दोहा बता दीजिएगा, हाँ नहीं कई लोग भाई जाते रहते हैं अपना इधर सलाह लेना उधर इंटरव्यू में सलाह लेना, कोई हमें भी आपत्ति नहीं होती, हम भी चाहते हैं भाई जहाँ से आपको जो मिल जाए, लेकिन हमें टीचर जरूर नाराज हो जाए कि बता देंगे कि मनोज पांडे के गए पहले आप सब पढ़ो घर वाले, हाँ पढ़ो साइन करिए रोल नंबर,
यहाँ तो किसी का रोल है नंबर दिया नाम भर दिया रोल ऑफ कब्जा मांगा भी आपसे सेलेक्ट हो जाइए जाइए जहाँ फोटो लेना है कौन फोटो दे सकता है यहाँ का मैंने लिख दिया कि भाई आपका ड्राफ्ट पाँच प्रकार का पहला क्वेश्चन आपका बनता है विचारण क्या यही क्वेश्चन आपका सामान्य बनता है विचारण कहाँ डिफाइन है वास्तव में विचारण डिफाइन है लेकिन सभी भाषा में आपको बताना ही पड़ेगा ऐसी न्याय कार्यवाही जिसके तहत न्यायालय किसी अभियुक्त की दोषिता या निर्दोषिता का अवधारण करता है दो परिभाषा लिखवा दे रहा पहले ऐसी न्याय कार्यवाही जिसके तहत न्यायालय किसी अभियुक्त की दोषिता या निर्दोषिता का अवधारण करता है दूसरी भाषा में भी एक आपका कह सकते हैं कि जब न्यायालय इस दृष्टि से एविडेंस लेना प्रारंभ कर देता है कि अभियुक्त ने अभिकथित अपराध किया कि नहीं अनेक दृष्टि से साक्ष्य लेना लेकिन आप चाहें तो दूसरा बता सकते हैं भाई हम ऑप्शन दे रहे हैं चाहे बताए ना उठाए वो आपके ऊपर है लेकिन ये सटीक भाषा में अब देखिए आपका विचारण में क्या पूछा जाता है टेक्निकल क्वेश्चन भाई कभी का ये पूछा जाता है कि कोर्ट ऑफ सेशन का विचारण की प्रक्रिया बताइए तो आप 225 से लेकर 237 तक बताएंगे लेकिन वो बहुत तो बताएंगे नहीं गाइडलाइन हेडिंग बस है गाइडलाइन उठाते चलिए अब जैसे पांच से सेक्शन बताएंगे आपका कह रहा जाने का तिरंगा रक्तुत होता रक्तुत होता है तो उसी में रुकने और बीच में रुक गए ट्रायल वाले क्वेश्चन में तो बीच में रुक के क्वेश्चन में यही प्रॉब्लम तो होती है पहले पता ट्रायल प्रोसेस शुरू कर दिए हां वैसे जैसे कि जैसे कि हम कहते हैं हां वहां आप लोग से हमने सुनता है कहेंगे हम ये लोग की हम ये लोग रहे हैं सत्य न्याय का विचारण प्रक्रिया बताइए तो आप कहेंगे कि भाई अध्याय 18 में धारा 239 के अध्याय 18 में धारा 225 से लेकर 237 तक दिया गया है इसमें तीन 225 है लोक अभियोजक द्वारा मामले का संचालन किया जाना है तो तुरंत लोक अभियोजक पर आ जाए ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहाँ पर मासिक है तुरंत रोक दिया गया हम तो पहले सत्य रोक दिए और अगली धारा छूट गए और ऐसे लोग का अभियोजन शुरू हो गया फिर लोग का अभियोजन मैंने मामले की प्रस्तावना करेगा आपका 226 में तो भाई प्रस्तावना में सामान्य बात बता रही फिर 227 में डिस्चार्ज तो डिस्चार्ज पर ही क्वेश्चन बनता है कि डिस्चार्ज क्या होता है तो भाई डिस्चार्ज मतलब क्या आरोप के निर्माण के पूर्व साक्ष्य अपर्याप्त होने के कारण कार्रवाई स्थगित करना और छोड़ना नहीं तो क्वेश्चन से क्वेश्चन